Sets means something which is set. You know ना? Set means what? Set. सब लोग समझते हैं? Yes. आपने कुछ पढ़ रखा है पहले set के बारे में? ठीक है, हम लोग देखेंगे अभी. तो set में क्या होता है? जैसे कि किसी भी objects का एक well defined collection. किसी भी चीजों का हम वेल डिफाइंड कलेक्शन करते हैं, मींस एक जगह हम क्या कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं. ठीक है, तो वो आपका सेट हो जाता है. जैसे एक वेल डिफाइंड है, जैसे आपका अरेंजमेंट हो गया बुक्स का अरेंजमेंट आप करते हैं. ठीक है, तो आप जैसे आप जिस रूम में आप पढ़ते हैं तो वहां पे बुक्स रखते हैं ना, बुक के टेबल पे, और अरेंजमेंट करते हैं कि ये बुक मेरी मैथ्स की यहाँ पे होगी, ये हिस्ट्री की जो है वो बुक यहाँ पे होगी. ठीक है, तो ईच एंड एवरीथिंग. तो ये आपका क्या होता है, एक सीक्वेंस में आप फॉलो करते हैं, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है. ठीक है, तो एक अरेंजमेंट आप बनाते हैं, एक रो बनाते हैं, कॉलम बनाते हैं, और उसमें क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को रखते हैं उसके अकॉर्डिंग. तो ये क्या हो जाता है, सेट हो जाता है. जैसे आप बोले कि प्राइम नंबर है, ठीक है, तो अ सेट ऑफ प्राइम नंबर. तो प्राइम नंबर क्या है, एक तरह का सेट है. प्राइम नंबर कहने के मींस एक स्पेसिफिक चीजों को आप क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं, स्पेसिफिक चीज को बता रहे हैं कि वो प्राइम नंबर है. प्राइम नंबर है मींस जो भी नंबर्स प्राइम होंगे वो कौन कौन से होंगे, वो ऐसे होंगे जो खुद से और अपने आप से मतलब ऐसे बता चली सकते हैं. यस, वन इज अ प्राइम नंबर और नॉट, what can you comment about one जो है prime number है या नहीं है? आप लोग सभी लोग prime number जानते हैं, है? ठीक है, नहीं कुछ नहीं. one जो है वो prime number है कि नहीं? और दूसरा हमें लेते हैं odd number. देखिए सबसे पहले set यहीं से start होता है, और set का पूरा जो है ना यहीं से start होता है कि set क्या है. आप पहले लिख लो set, it is a well defined collection of objects. ठीक है, तो well defined collection होता है objects का, एक definite arrangement होता है एक sequence में, वो आपका हो जाता है set. ठीक है, तो जो भी objects का well defined collection होता है उसको हम लोग बोलते हैं set. तो one जो है वो prime number है कि नहीं है, बताइए. नहीं है. और odd number है या नहीं है? odd है. प्राइम नंबर नहीं है. रीजन कोई बता सकता है? यस, यू टेल मी द रीजन. आप बोल रहे थे कि सर होगा, कोई रीजन बता सकता है क्यों नहीं है, व्हाई वन इज नॉट अ प्राइम नंबर? एवरीथिंग हैज अ रीजन, यू नो. अगर आप 2+2=4 लिखते हो उसका भी रीजन है. ठीक है, तो वन जो है वो प्राइम नंबर क्यों नहीं है? अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, व्हाई? गिव रीजन फॉर योर आंसर. तो क्या होता है, कोई बता सकता है? यस, टेल मी अबाउट दैट. नहीं, तो देखो प्राइम नंबर आपने ये चीज को रटा रटा याद कर लिया कि यस, या नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 1 इटसेल्फ इज नोन एज प्राइम नंबर. लेकिन आपको ये चीज नहीं समझ में आया कि उसके एग्जैक्टली टू फैक्टर्स कौन-कौन से. अ प्राइम नंबर हैज एग्जैक्टली टू फैक्टर्स. प्राइम नंबर के क्या होते हैं, एग्जैक्टली टू फैक्टर होते हैं. वन होना चाहिए और उसके अलावा भी होना चाहिए एक और जो इटसेल्फ होगा. एग्जैक्टली टू फैक्टर्स होने चाहिए, लेकिन वन का केवल एक ही फैक्टर है. समझ में आया? 1, उसके अलावा कोई फैक्टर नहीं है. तो प्राइम नंबर के एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होने चाहिए, तो वो आपका हो जाएगा प्राइम नंबर. समझ में आया जी? तो एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होने चाहिए. तो 1 का क्या 2 फैक्टर्स है? नहीं, तो 1 का केवल एक ही फैक्टर है. तो ओनली 1 फैक्टर इटसेल्फ 1 है, तो 1 फैक्टर. तो सो इट इज नॉट अ प्राइम नंबर, दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ प्राइम नंबर. ऑड नंबर बोल सकते हैं? यस, इट इज अ ऑड नंबर. हम लोग बोलेंगे कि 1 इज अ इट इज एन ऑड नंबर. ठीक है जी, इट इज एन ऑड नंबर बट इट इज नॉट अ प्राइम नंबर. तो वन के बारे में क्या लिखेंगे, प्राइम नंबर नहीं है. अगर हम बोले आपसे कि प्राइम नंबर का सेट तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन आता है आपको स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा, 2 हो जाएगा. ठीक है, तो ए सेट ऑफ प्राइम नंबर अगर बोले तो आपको क्या बोलेंगे आप,
टू थ्री फाइव सेवन नाइन, नाइन भी लिख सकते हैं इलेवन थर्टीन अप टू सो ऑन. तो दिस इज द सेट ऑफ प्राइम नंबर. समझ में आया? तो दिस इज द सेट ऑफ प्राइम नंबर. आप बोल सकते हैं इसको, अगर नेचुरल नंबर की बात करें, इफ यू टॉक अबाउट नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर को देखो नोट करते हैं हम लोग एन से. तो एन क्या होता है नेचुरल नंबर? तो नेचुरल नंबर मींस व्हाट? काउंटिंग नंबर, प्रकृति संख्या जो पॉजिटिव काउंटिंग नंबर होते हैं, नॉट काउंटिंग नंबर. आपको बोलना है पॉजिटिव काउंटिंग नंबर. यू आर स्टडिंग मैथ हियर, ठीक है? तो मैथ्स आप पढ़ रहे हैं तो आपको थोड़ा सा होना है. काउंटिंग नंबर हम ऐसे बोलते हैं, बचपन में हम लोग पढ़ते हैं काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर, बट पॉजिटिव काउंटिंग नंबर. इसलिए कि वही काउंटिंग नंबर जब नेगेटिव हो जाएंगे तो वो नेगेटिव नेचुरल नंबर होंगे, ठीक है? तो वो पॉजिटिव उसको नेचुरल नंबर बोलेंगे, लेकिन वो नेगेटिव होंगे. तो नेचुरल नंबर अगर केवल बोले यानी पॉजिटिव काउंटिंग नंबर, दिस मीन्स वन टू थ्री फोर अप टू सेवन. तो दिस इज योर सेट ऑफ नेचुरल नंबर. अगर हम बोले सेट ऑफ कंपोजिट नंबर, सेट ऑफ कंपोजिट नंबर, ठीक है? समझ में आ रहा है ना? सीधा सीधा कुछ बोल रहे हैं आप, सीधा सीधा क्या करना है? मेन टॉपिक पे चलते हैं, डोंट टेक टेंशन ऑफ दैट, ठीक है? आप लोग सोचते हैं कि बेसिक है, अभी से क्वेश्चन हम पूछेंगे. अच्छा, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? यस, यू टेल. टू से ज्यादा फैक्टर होते हैं, जिसके टू से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं. यस, द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा होगा? फोर. यस, तो फोर. उसके बाद सिक्स के भी टू से ज्यादा फैक्टर्स होंगे, तो ये आपके कंपोजिट नंबर होंगे, ठीक है? तो ये आप सब समझ गए, ठीक है ना? सब लोग समझ गए ना? तो अगर हम बोले कि अ बेस्ट बैट्समैन इन इन एन इंडियन क्रिकेट टीम, तो वो सेट होगा कि नहीं होगा? नहीं. यस, टेल मी, सेट होगा कि नहीं होगा? बेस्ट बैट्समैन इन एन इंडियन क्रिकेट टीम, तो वो सेट है कि नहीं है? नहीं है. डिपेंड करता है कि जो है वो कौन, मींस अगर इंडियन क्रिकेट टीम अगर आप बोले तो वो क्या है, आपके प्लेयर्स जितने भी हैं उसमें प्रेजेंट वो तो है आपके, लेकिन उसमें अगर बेस्ट बोले तो किसके रिस्पेक्ट में कौन बेस्ट है, ये भी तो डिपेंड करता है ना. ये सेट नहीं है, ठीक है? तो ये पॉइंट है, तो हम आपको बताना ये था इसमें. नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस, किसके जो रिप्रेजेंटेशन है वो टू फॉर्म है, कौन कौन से? जैसे आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस तरह से A is equal to, जैसे सेट ऑफ प्राइम नंबर, ये आपका जो रिप्रेजेंटेशन किया किसमें था? रोस्टर में था, रोस्टर फॉर्म में, ठीक है जी? तो A is equal to, जैसे हम लिखें कि नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर A क्या है? सेट है नेचुरल नंबर का, तो 1 2 3 4 अप टू 16, ये आपका नेचुरल नंबर का सेट हो जाएगा. तो जब भी कर्ली ब्रैकेट में, सुन लो यहां पे, जब भी कर्ली ब्रैकेट हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं, ठीक है? और सभी 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 नंबर्स के बीच में कॉमा देते हैं और अप टू डॉट डॉट, तो ये आपका रोस्टर मेथड होता है. समझ में आया था? आ रहा है ना आपको? तो इजी है काफी ज्यादा. नेक्स्ट इज सेट बिल्डर बुल्डर, सेट बुल्डर मेथड, ठीक है? इसमें क्या हो जाएगा? इसमें क्या होगा? इसमें जैसे देखो नेचुरल नंबर को लिखना है तो हम लोग लिखेंगे A is equal to X, और इसमें X belongs to natural. इस तरह से अगर हम लिखेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा? सेट बिल्डर मेथड हो जाएगा. ये सबको पता है, आई थिंक पता है ना? यस यस. ओके, A is equal to, जैसे हम लोग लिखे हैं, अगर हमें A को सेट लिखना है प्राइम नंबर का, प्राइम नंबर का नहीं लिख सकते, इंटीजर का लिख लो, इंटीजर्स का, ठीक है? इंटीजर्स को हम लोग I से डिनोट करते हैं या Z से डिनोट करते हैं. दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? इंटीजर्स को या तो I से या Z से डिनोट करते हैं. तो X एंड X बिलोंग्स टू द सेट ऑफ इंटीजर दैट इज इक्वल टू I, ये आपका सेट बिल्डर मेथड है, ठीक है? जिस लोग किसी को लिखना है वो लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है जी? नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस इज एम्प्टी सेट. अब टाइप्स ऑफ सेट हम लोग पढ़ेंगे. एम्प्टी सेट, ठीक है, जिसको बोलते हैं नल सेट, और क्या बोलते हैं? वॉइड सेट. तो इसके तीनों जो है नाम, टाइप्स ऑफ सेट हम लोग पढ़ेंगे. टाइप्स ऑफ सेट, सेट्स के टाइप. तो फर्स्ट आपका है
फर्स्ट आपका है नल सेट, ए नंबर आपका नल सेट, एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट, उसके बाद वॉइड सेट, वॉइड सेट, ठीक है जी। नल सेट, एम्प्टी सेट, वॉइड सेट, इसका एप्लीकेशन एप्लीकेटिव पार्ट होता है। तो नल सेट को क्या बोलते हैं, जिसमें जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, ठीक है, उसको बोलते हैं मींस अ टाइप ऑफ सेट इन विच, अ टाइप ऑफ सेट इन विच नो एलिमेंट्स आर प्रेजेंट, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ए इज इक्वल टू फाइव, अगर ए इज इक्वल टू फाइव है तो यहाँ पे क्या होगा, ए इज अ, ए इज अ नल सेट, ठीक है, ए इज अ नल सेट। तो ए इज इक्वल टू फाइव, इसको ब्रैकेट में मत लिखना, नहीं तो एक एलिमेंट हो जाएगा, क्लियर है ना इसमें। तो फाइव को भी ब्रैकेट में आप मत लिखना, एक एलिमेंट हो जाएगा। फाइव मीन्स कुछ भी नहीं वैसे, लेकिन ब्रैकेट में हम नहीं लिखते हैं किसी एलिमेंट को, हम ब्रैकेट में लिखेंगे। फाइव मीन्स कुछ भी नहीं, नल सेट मीन्स नथिंग, जीरो, इसको जीरो सेट भी बोलते हैं आप लोग, जीरो सेट भी बोल सकते हैं, नल सेट भी बोल सकते हैं, वॉइड सेट भी बोल सकते हैं, एम्प्टी सेट भी बोल सकते हैं, इतने सारे इसके नाम है, ठीक है जी। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या होगा नल सेट का, एग्जाम्पल, यस एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल कोई बता सकता है नल सेट का, ए इज इक्वल टू, ए इज अ सेट ऑफ ऑड एंड इवन एक्स, वेयर एक्स बिलोंग्स टू, ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू फोर एंड फाइव, वेयर एक्स इज अ नेचुरल नंबर, एक्स इज अ नेचुरल नंबर, तो इसका आंसर क्या होगा, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स क्या है, नेचुरल नंबर है, या लिख सकते हैं आप कि एक्स बिलोंग्स टू एम, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे दी गई है कि एक्स की वैल्यू क्या होगी, फोर और फाइव के बीच में होगी, ठीक है जी, फोर और फाइव के बीच में एक्स की वैल्यू दी गई है, और आपको बोला गया कि एक्स नेचुरल नंबर होगा, तो फोर और फाइव के बीच में कोई नेचुरल नंबर आता है क्या, नहीं, ठीक है, पॉइंट में सभी आते हैं, तो कोई नेचुरल नंबर नहीं होगा, तो ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट करेगा नहीं, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, फाइव, a is equal to 5, आप लिख सकते हैं। This is an example of null set or empty set. Second number is singleton set. Singleton set में क्या होता है जी? जिसमें एक ही element हो, ठीक है? तो means one element present. जल्दी लिख लो आप इसको, बस one element present. इसको पढ़ने का कोई मतलब ज्यादा नहीं है, बस इससे थोड़े क्वेश्चंस आते हैं उसको हम लोग कर लेंगे। वन एलिमेंट प्रेजेंट, ठीक है, तो वन एलिमेंट प्रेजेंट मींस जैसे a इज इक्वल टू आपने लिखा वन, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सिंगलेटन सेट हो जाएगा, ठीक है। b इज इक्वल टू टू, ये आपका हो जाएगा सिंगलेटन सेट, सिंगलेटन सेट जिसमें एक एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जैसे आपने लिखा a इज इक्वल टू, a इज अ सेट ऑफ इंटीजर, x बिलोंग्स टू, और यहाँ पे आपका फोर, फाइव टू सेवन, x की वैल्यू 5 से 7 और x belongs to integer मतलब z, ठीक है जी, x belongs to z, you have to write down कि x जो है वो कैसा, एक ऐसा होगा, ये यहाँ पे singleton set हो जाएगा, इसलिए 5 और 7 के बीच में एक ही integer होगा, एक ही integer होगा, ठीक है, कौन सा, 6, ठीक है। तो a is equal to आपका एक ही आंसर होगा यहाँ पे 6, समझ में आया, तो ये singleton set है। next point of this is singleton के बाद क्या होता है, कौन सा सेट होता है बता सकते हैं सब लोग, singleton के बाद डबल फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट, ठीक है जी। तो फाइनाइट सेट में क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट प्रेजेंट हो, तो नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट विल बी फाइनाइट, तो फाइनाइट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट हो, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे फाइनाइट सेट, ठीक है, फाइनाइट सेट। नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस इज ऑर्डर ऑफ सेट, ऑर्डर ऑफ फाइनाइट सेट, ऑर्डर ऑफ फाइनाइट सेट मींस क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन, ऑर्डर भी पूछा जाता है, ध्यान रखना, नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन फाइनाइट सेट, प्रेजेंट इन अ फाइनाइट सेट इज नोन एज ऑर्डर ऑफ फाइनाइट सेट। तो इसको एन ए से डिनोट करते हैं, एन ए से
कोई सेट ए है उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, सपोज ए इज अ फिनाइट सेट है, तो ए आपका क्या हो जाएगा फिनाइट सेट, तो ऑर्डर ऑफ फिनाइट सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं एन ए से या ओ ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ओ ए से ऑर्डर। क्लियर है सबको कि नहीं है, दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? क्लियर है, आगे चलते हैं हम लोग। लिख लिया सब लोगों ने, लिखिए जल्दी फास्ट, डू इट फास्ट एज सून एज पॉसिबल। हो गया एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, इसमें एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा प्लैनेट्स, तो जो एन ए के बाद ऑल क्या लिखा ओ ए ऑर्डर ऑफ फिनाइट सेट आ गया ना आपको समझ में। फाइनाइट सेट के एग्जाम्पल में आप कुछ भी ले सकते हो, ए इज इक्वल टू ए बी सी डी, तो फाइनाइट सेट हो जाएगा चार, नंबर ऑफ एलिमेंट उसमें कितने होंगे चार, उसका ऑर्डर कितना हो जाएगा चार, तो ये सब बताने की जरूरत है कि ठीक है समझ में आ रहा है। लिख लो देखो a इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 1 2 3 4, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे चार, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 4, ठीक है, तो इस फाइनाइट सेट का ऑर्डर कितना हो जाएगा 4, समझ में आया। नेक्स्ट पार्ट इज दिस, नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस इज इन्फिनिट सेट, इन्फिनिट सेट में जिसमें इन्फिनिट एलिमेंट होंगे, द सेट इन विच इन्फिनिट एलिमेंट्स आर प्रेजेंट उसको हम लोग बोलेंगे कि इन्फिनिट सेट होगा, ठीक है, तो इन्फिनिट सेट में क्या होगा इन्फिनिट एलिमेंट्स आर प्रेजेंट, दिस पॉइंट इज क्लियर ना, इन्फिनिट एलिमेंट्स आर प्रेजेंट मतलब जैसे अगर ए हम सेट बोले नेचुरल नंबर का, तो नेचुरल नंबर का सेट आप बोलेंगे तो ये नहीं पता है कितना कहां तक जाके एंड होगा, ठीक है, तो इन्फिनिट हो जाएगा। तो इन्फिनिट सेट का कभी हम ऑर्डर नहीं डिटरमाइन कर सकते, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं इन्फिनिट होते हैं, तो ऑर्डर हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते। नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस इज इक्वल सेट्स, ठीक है जी, इक्वल सेट्स, इक्वल सेट्स में क्या होता है टू सेट A and B, ठीक है, two sets A and B are said to be equal, कब equal कहे जाते हैं, are said to be equal, equal कब कहे जाएंगे, two sets A and B are said to be equal, if every element of A is a member of B, is a member of B and every element every element of B is a member of A, is a member of A, you can say. तो इसमें example हो जाएगा आपका, example you can say that कि A is equal to this 1 2 3 4, इसका कहने का क्या मतलब है हम आपको बता रहे, what is the accurate meaning of this, कि हर एक A में जितने भी element present होंगे, ठीक है, जितने भी element present होंगे वो सभी element B के member होंगे, ठीक है, और B में जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट होंगे वो सभी A के मेंबर होंगे, तब जाकर वो दोनों सेट क्या कह जाएंगे इक्वल सेट, ठीक है, मीन्स आपको A में अगर 1 2 3 4 प्रेजेंट है तो B में भी आपको सेम एलिमेंट प्रेजेंट होने चाहिए 4 3 2 1, ये आप देख सकते हो 4 3 2 1, हेलो, इफ यू आर राइटिंग दिस की 4 3 2 1, तो आप देखो A और B दोनों सेट क्या हो जाएंगे आपके, दोनों सेट इक्वल सेट हो जाएंगे, इसलिए कि देखो हर एक एलिमेंट जो भी एलिमेंट प्रेजेंट है वो बी में भी है, देखो फोर जो है इसमें वन पहले प्रेजेंट है, वन इसमें भी प्रेजेंट है, इसका भी मेंबर है बी का, हर एक एलिमेंट जो ए में प्रेजेंट है वो मेंबर होना चाहिए किसके बी के, और जो हर एक एलिमेंट बी में प्रेजेंट है वो मेंबर होना चाहिए ए के, देखो बी में भी वन प्रेजेंट है तो ए में भी वन है, देखो बी में जो है वो टू प्रेजेंट है तो ए में भी टू प्रेजेंट है, बी में थ्री प्रेजेंट है तो ए भी थ्री प्रेजेंट है, एंड फोर फोर दोनों में प्रेजेंट है, समझ में आया, तो दोनों में जो है वो इक्वल मेंबर होने चाहिए, ठीक है, सेम मेंबर होने चाहिए इसमें, तो ये आपका इक्वल सेट्स हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस इज, नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस इक्विवेलेंस सेट, नेक्स्ट आपका आता है इक्विवेलेंस सेट्स, बता सकता है कोई नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हो, यस इक्विवेलेंट सेट, दो सेट्स को हम इक्विवेलेंट कब बोलते हैं, जब उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हो,
जब उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इक्वल, लिख लेना टू सेट्स आर सेट टू बी इक्विवेलेंस व्हेन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन दैट सेट्स विल बी इक्वल, ठीक है, तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हो जाएंगे, नो मैटर कि द एलिमेंट्स व्हिच आर प्रेजेंट इन सेट ए विल बी अ मेंबर ऑफ सेट बी, ठीक है, तो इट डजंट मैटर इट डजंट मैटर इन दिस केस, ठीक है, इसके लिए इस केस में इसका कोई मतलब नहीं है, इसमें बस नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होना चाहिए, ए कुछ भी हो सकता है, नंबर ऑफ जैसे 1, 2, 3, 4 आपने देख लिया ए को, बी को आपने ले लिया सपोज अ स्मॉल ए, अ स्मॉल बी, अ स्मॉल सी एंड अ स्मॉल डी, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट देखो कितने प्रेजेंट है, 4, और नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो कितने प्रेजेंट है बी में, 4, तो ए में भी 4 प्रेजेंट है और बी में भी 4 प्रेजेंट है, ठीक है ना, तो ए में भी 4 प्रेजेंट है और बी में भी 4 प्रेजेंट है नंबर ऑफ एलिमेंट, इट मींस दैट ये कैसे होंगे, इक्विवेलेंस सेट होंगे, इक्विवेलेंस सबसेट होंगे। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, कॉम्प्लीमेंट सेट जिसको बोलते हैं, ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट सेट में क्या होगा, जैसे देखो ए इज इक्वल टू आपका हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट सेट के लिए आपका यू होना जरूरी है, यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट मींस जो एक्स की ऑल वैल्यूज ले सेट, इसके पहले आप यूनिवर्सल सेट तो आपको पता ही है, यूनिवर्सल सेट लिख लो, यूनिवर्सल सेट इसी में आपको लिखना है, यूनिवर्सल मीन्स द वैल्यू द ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ अ सेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट, इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट, यू कैन से, तो ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स जिसमें एक्स की सभी पॉसिबल वैल्यूज हो जाएंगी वो सभी किसमें होंगे, यूनिवर्सल सेट में। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ दिस इज कॉम्प्लीमेंट सेट, तो कॉम्प्लीमेंट सेट में क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट सेट में देखते हैं, यूनिवर्सल सेट सपोज आपको दिया हुआ है U इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, और A आपको दिया हुआ है 1, 2, इसका कॉम्प्लीमेंट आपको बताना है कॉम्प्लीमेंट सेट, तो कॉम्प्लीमेंट सेट को हम लोग डिनोट करते हैं A डैश से, और A डैश देखो कॉम्प्लीमेंट मतलब जो A के अलावा होता है, ठीक है जी, तो जैसे वेन डायग्राम से आप समझोगे इसको, वेन डायग्राम से एक्सप्लेन कर रहे हैं, वेन डायग्राम काफी इंपॉर्टेंट है, और इसका क्वेश्चन आता है वेन डायग्राम का, देखो ये आपका यूनिवर्सल सेट हो जाएगा यू, ठीक है, और ए कोई सेट है ये, ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट ए सेट आपका ये हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट इसका क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट देखो कॉम्प्लीमेंट ये वाला पार्ट, दिस पार्ट इज द कॉम्प्लीमेंट, ये आपका क्या हो जाएगा ए डैश हो जाएगा, इसको हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, इसको बोलेंगे हम लोग कि ए डैश, ए डैश इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू आर नॉट, यस सर, क्लियर है सबको, तो ए डैश क्या हो जाएगा जो इसमें नहीं होंगे, ठीक है, तो नहीं कौन कौन से है, कौन से 1, 2 है, नहीं कौन कौन से है 3, 4, 5, तो ए डैश आपका क्या हो जाएगा 3, 4, 5, तो ए डैश आपका हो जाएगा 3, 4, 5, ये कॉम्प्लीमेंट सेट हो जाएगा, कोई डाउट इसमें से, इसमें कोई डाउट किसी को, तो ए डैश आपका हो जाएगा 3, 4, 5, सबसेट क्या होता है, यस, सबसेट को अगर आप एक्सप्लेन करें तो सबसेट क्या होगा, पार्ट ऑफ द सेट, ए अगर सबसेट है बी का मींस क्या, सबसेट को हम लोग इस तरह से नोट करते हैं, समझिए आप, अगर ये लिखा होता है कि ए जो है वो सबसेट है बी का, ठीक है, तो बी का सबसेट है, देखो ये तो पैराबोला का माउथ जिधर ओपन होता है ना वो बड़ा माना जाता है, तो पैराबोला का माउथ जो है ओपन इधर है, मतलब ए के हर एक एलिमेंट जो है वो बी में प्रेजेंट हो, तो ये इसका मतलब हम लोग बोलेंगे कि ए जो है वो किसका सबसेट है, बी का सबसेट है, ठीक है, मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, मीन्स व्हाट, every element of A is present in set B, समझ में आ रही सबको, every element of set A is present in
सेट में, जिससे पूछेंगे वही बोलेगा। सेकेंड नंबर पार्ट ऑफ, ये फर्स्ट नंबर आपका था, सेकेंड नंबर ऑफ दिस इज कि अगर ऐसे लिखा गया हो जी, यस यू टेल मी अबाउट दिस, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि ए के सारे एलिमेंट्स बी में हैं और सब दोनों सेट्स इक्वल भी हैं, तो मतलब इम्प्रॉपर सबसेट कह सकता हूं। इम्प्रॉपर तो प्रॉपर क्या होगा सर? प्रॉपर में मतलब वो इक्वल नहीं होते, इक्वल नहीं होते। क्या इक्वल नहीं होता सर? फॉर एग्जांपल हम ए को बी का सबसेट कर रहे हैं तो ए के सारे एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट होंगे पर ए बी के इक्वल नहीं सर, इसको कहते हैं प्रॉपर सबसेट। यस प्रॉपर सबसेट, समझ में आया ना सबको? सही है कॉन्सेप्ट आपका, ठीक है आपका, आपको समझ में आ रहा है ना? मेरे अच्छा ठीक है, तो देखिए यहाँ पे समझ में आया ना सबको? तो देखो ए, तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो ये इक्वलिटी साइन जो है वो क्या दिखाता है कि ए जो है वो बी के इक्वल भी है, प्रॉपर मतलब सबसेट तो है ही ये, ठीक है, लेकिन जो है वो बी के इक्वल भी है, समझ में आ रहा है आपको? तो ये ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड इज इक्वल टू बी, ठीक है जी। ए जो है वो आपका क्या है, सबसेट है किसका, बी का, और इक्वल है किसके, किसके इक्वल है, बी के इक्वल है, समझ में आ रहा है ना आपको? ए जो है वो सबसेट है किसका, बी का, और किसके इक्वल है, बी के इक्वल भी है। ये आपका हो जाएगा ए सब, ए सब क्या इसको बोलेंगे, सुपर सेट, ठीक है, सुपर सेट भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है ना? तो ये आपका सुपर सेट भी बोल सकते हैं, यू कैन से दैट सुपर सेट, दिस इज नोन एज सुपर सेट, ठीक है। यस, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ दिस इज कि a इक्वल टू b लिखा हुआ तो वो इक्वल सेट हो जाएगा, सबको पता है ना, a इज इक्वल टू b अगर कोई लिखा हुआ हो, जैसे मान लो आपका a इज इक्वल टू b लिखा हुआ हो, इसका मतलब क्या होता है, ये दोनों इक्वल सेट है, मींस एवरी एलिमेंट ऑफ a इज अ मेंबर ऑफ b एंड एवरी एलिमेंट ऑफ b इज अ मेंबर ऑफ a, ठीक है, तो इक्वल सेट्स हो जाएंगे। नोन में सर फर्क क्या हुआ फिर, किसमें, इसमें और इसमें, इसमें इक्वल है, ठीक है, इक्वल भी है और इसका सबसेट भी तो होगा ना सर, दोनों एक ही तो बात है, तो सबसेट हम देखो, सबसेट जो है वो देखो ऊपर वाले में जो है जब तक इक्वलिटी का साइन ना हो तब तक इक्वल नहीं हो सकते, ठीक है, फर्क क्यों नहीं है इसमें, समझ में आ रहा है क्या है इसमें? इसमें क्या है कि हर एक मेंबर जो है ए का वो बी में प्रेजेंट होगा, बी का हर एक एलिमेंट ए में प्रेजेंट होगा और सेम होंगे, ठीक है। इसमें क्या होगा, जब तक इक्वलिटी ना दिया रहे तब तक तो आपका प्रॉपर सबसेट हो जाएगा ना, वो फिर सुपर सेट होगा ही नहीं होगा, समझ में आया? जैसे किसी भी एलिमेंट का समझ लो, अब सबसेट निकालना हो, ठीक है, तो जैसे ए का आपको सबसेट निकालना हो, सपोज आपका 1 2 दिया हुआ है तो इसका सबसेट क्या होगा, 1 2 और 5, तो इसका सबसेट क्या हो जाएगा, तो सबसेट आपको मानोगे कि ये 1 भी हो जाएगा, ए इज इक्वल टू सबसेट इसके हो जाएंगे 1, ठीक है, और उसके बाद क्या हो जाएगा 2 और उसके बाद 5 होगा, 1 2 भी होगा, अगर नीचे वाला होगा तो 1 2 भी होगा, ऊपर वाला होगा तो नहीं होगा, कौन नीचे वाला होगा, 1 2 ये जो इक्वल है, हां यस यू कैन मतलब क्या होता है इसमें, आपको सबसेट बताना है कि 1 कॉमा 2 के कितने पॉसिबल सबसेट होंगे, 4 होंगे, ठीक है, तो 4 होंगे आपके, मैं पॉसिबल पूरे बताने हैं आपको, प्रॉपर और इंप्रॉपर जब तक कहा ना जाए क्वेश्चन में कि प्रॉपर, ठीक है, तब तक आपको पूरे बताने हैं पॉसिबल, तो 1 2 हो जाएगा भी आएगा एंड 5 क्या आएगा, 5 आएगा आपका, ये 4 होंगे इसके, तो किसी भी क्वेश्चन के फॉर्म में आपका हो गया कि a के आपको सबसेट बताने हैं टोटल, a के सबसेट कितने हो जाएंगे, 4, तो इसका फाइंड आउट करने का क्या फार्मूला होता है, 2 की पावर n, 2 की पावर n टोटल नंबर ऑफ सबसेट, कैसे फाइंड आउट करेंगे, टोटल नंबर ऑफ सबसेट अगर आपको फाइंड आउट करना हो तो कैसे फाइंड आउट करते हैं, 2 की पावर n, n क्या होता है आपका, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो वेयर यू कैन से दैट n इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द गिवन सेट, ऑफ द गिवन सेट, तो n आपका हो जाता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, समझ में आ रहा है ना आपको, कोई डाउट इसमें है, किसी भी पार्ट में थोड़ा सा भी डाउट आपको फील हो रहा है कि डाउट है इसमें, पूछ लेना, ठीक है ना, तो
तो a इज इक्वल टू 1 कॉमा 2 a इज इक्वल टू 1 2 1 कॉमा 2 एंड 5 दिस यू कैन राइट डाउन तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या हो जाएंगे 2 की पावर n समझ में आ रहा है प्रॉपर सबसेट ये क्या है आपका प्रॉपर सबसेट ठीक है तो अब देखो प्रॉपर सबसेट का अगर टोटल नंबर आपको फाइंड आउट करना हो तो कैसे फाइंड आउट करेंगे 2n minus 1 2n minus 2 की पावर n minus 1 टोटल हाँ 2 की पावर n minus 1 ठीक है तो टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट भी समझ में आ गया ना सबको yes, नहीं आया किसी को कोई ऐसा है कि नहीं आया यस yes, आपको नहीं आया आ गया ना टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट क्या हो जाएगा देखो एक वाला माइनस हो जाएगा जो इक्वल वाला है ना वो माइनस हो जाएंगे समझ में आ रहा है तो प्रॉपर सबसेट हो जाएगा मींस 2 की पावर n एंड माइनस हो जाएगा सर ये तो 5 के लिए वैलिड है कि अगर हम बोल रहे हो कि नॉन एम्प्टी सेट हमें हटाना है फिर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स बता दीजिए नॉन एम्प्टी सेट हटाना है एम्प्टी सेट हटाना है मतलब एलिमेंट्स जो होने चाहिए वो नॉन एम्प्टी सेट वाले हां तो नॉन एम्प्टी सेट हां तो ये आप कर सकते हैं 2 की पावर n माइनस 1 ठीक है यू आर राइट तो आप इनका करने का मतलब ये है कि सर ऐसा होना चाहिए कि सबसेट में 5 नहीं आना चाहिए टोटल नंबर ऑफ सबसेट आपका पूछा जा रहा है उसमें 5 प्रेजेंट नहीं होना चाहिए ठीक है तो उसमें 2 की पावर n माइनस 1 5 को माइनस कर देंगे इसके लिए फार्मूला नहीं बनाने की जरूरत है बस ये फार्मूला आपका हो गया टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितने हो जाएंगे 2 की पावर n माइनस 1 इसलिए वो तो अंडरस्टूड है ना कि आप टोटल नंबर ऑफ सबसेट फाइंड आउट कर रहे हैं 5 क्या होगा 1 होगा तो माइनस 1 करना ही करना है वो तो अंडरस्टूड पार्ट है आई थिंक बाकी ये टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट आपको पता है 2 की पावर n माइनस सबको समझ में आ रहा है ना तो एक दो अच्छे क्वेश्चंस हो जाए ठीक है ना तो चलते हैं बताना होगा आप ही लोगों को देखिए जी क्वेश्चन 1 यूनिवर्सल सेट यूनिवर्सल सेट आपको यू दिया हुआ है यू दिया हुआ है एक्स और ये दिया हुआ आपको x की पावर 5 अभी मत करना कि सर जब फर्स्ट में ही आपने क्वेश्चन कैसा दे दिया काफी इजी क्वेश्चन है ये अगर आप सॉल्व करेंगे तो ध्यान रखना है -xx2 = 0 ठीक है u आपको ये दिया हुआ है ये दिया हुआ है आपको x2 - 5x + 6 = 0 ठीक है जी और ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है ठीक है 2006 में आया हुआ क्वेश्चन है x2 - 3x + 2 ठीक है तो आपको बताना है व्हाट इज a इंटरसेक्शन b डैश इक्वल टू कहोगे सर इंटरसेक्शन नहीं बताया पता है ना सबको इंटरसेक्शन बिना इंटरसेक्शन के तो काम ही नहीं चलता बता देते हैं उसको भी पता है सर और डैश का तो अभी बताएंगे आपको कैसे बनाएंगे तो इंटरसेक्शन आपको समझ में आता नहीं इंटरसेक्शन मींस दोनों में जो कॉमन होगा समझ लो इंटरसेक्शन अभी बताएंगे हम आपको यूनियन ऑफ टू सेट्स के बाद इस क्वेश्चन को कर लो उसके बाद बताएंगे यूनियन और इंटरसेक्शन ठीक है तो क्या हो जाएगा आंसर यस देखो सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन आए यूनिवर्सल सेट और ए सेट दिया हुआ और x की पावर में x2 - 5x + 6 = 0 x2 - 3x + 2 = 0 यूनिवर्सल सेट है ये मींस इसमें a और b की वैल्यू दोनों इसमें एग्जिस्ट करेंगे यूनिवर्सल सेट में ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है मींस a और b के जो भी वैल्यूज आएंगे वो यूनिवर्सल सेट के क्या होंगे रूट्स होंगे तो इसमें x की पावर 5 दिया हुआ है इसको मत आप सॉल्व करने कभी बैठ जाना करोगे तो कर सकते हो आई थिंक अगर आपने थोड़ा सा है साहस तो x की पावर 3 वाला कर सकते हैं x स्क्वायर इसमें कॉमन आ जाएगा और बचेगा आपका x की पावर 3 आप कर सकते हैं बट यूनिवर्सल सेट जो है समझ में आ रहा है आपको यूनिवर्सल सेट a और b के वैल्यूज को लेगा इसलिए यूनिवर्सल सेट मींस पूरा बताया था ना आपको आपका ये हो जाएगा u और ये हो जाएगा a एंड ये हो जाएगा b ठीक है तो a b हो जाएगा और इंटरसेक्शन मींस इन दोनों का सेम ये सेम पार्ट
ठीक है, तो इंटरसेक्शन ये हो जाएगा, इंटरसेक्शन आपका ये हो जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इंटरसेक्शन ये हो जाएगा, तो अब देखो ए और बी को मिला के आपका यू हो जाएगा, समझ में आया? Yes, तो इंटरसेक्शन मीन दोनों में जो कॉमन है, कॉमन एलिमेंट होंगे वो आपके इंटरसेक्शन पे आएंगे। तो ए, ए की अगर बात करें, इफ यू टॉक अबाउट द वैल्यू ऑफ ए, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 इज गिवन। अब देखो इसके फैक्टर्स क्या होंगे, सॉर्ट मेथड बताए थे ना आपको, 6 का फैक्टर क्या हो जाएगा 3 और 2 और माइनस 3 और माइनस 2, इसका फैक्टर्स होंगे, x की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी 3 और 2। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, आपको समझ में आया? देखो कैसे, आपको भी बता देते हैं, ये चीज आप भी जान जाइए, और डायरेक्ट आप आंसर इसके फैक्टर्स लिख सकते हैं, कैसे, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसके आपको फैक्टर्स निकालने हैं, तो हम क्या करते हैं कि इसका कांस्टेंट टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म इज जो x से फ्री होता है उसको बोलते हैं हम कांस्टेंट, तो कांस्टेंट टर्म इज 6, दिस इज हियर 6 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, तो आपका ये माइनस 6 और प्लस 1 लेना होगा, समझ में आ रहा है? तो माइनस 6 और प्लस 1 लेना होगा, तो माइनस इंटू प्लस ये माइनस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या दिया प्लस, ये माइनस 6 और प्लस 1 नहीं होगा, तो 3 और 2 का हो सकता है, और 3 और 2 का कैसा, माइनस 3 और माइनस 2, तो माइनस 3 और माइनस 2 कितना हो जाएगा माइनस 5, एंड माइनस 3 इंटू माइनस 2 करेंगे तो प्लस 6 आएगा, समझ में आ रहा है? अब देखो अगर इसके फैक्टर्स माइनस 3 और माइनस 2 होंगे तो x की वैल्यू इसको प्लस कर दो, वही x की वैल्यू हो जाएगी, तो अगर माइनस 3 है तो x की वैल्यू प्लस 3 हो जाएगी, और माइनस 2 है तो x की वैल्यू 2 हो जाएगी, x की वैल्यू, समझ में आ गया? अब डायरेक्ट कर सकते हैं ना अभी। नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस, देखो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, देखो 2 के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 और 1, 3 लिखा हुआ है, तो 2 और 1 माइनस 2 और माइनस 1, ठीक है, लिखेंगे ना, इसलिए कि माइनस 2 इंटू माइनस 1 प्लस 2 हो जाएगा, तो माइनस 2 और माइनस 1, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 कॉमा 2। सबको समझ में आया कि नहीं आया? यस। अब देखो दोनों में कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, समझ में आ रहा है? और इन दोनों का कॉमन का क्या पूछा हुआ है, ए का सेक्शन भी दोनों में कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, लेकिन इनका कॉम्प्लीमेंट पूछा हुआ है, कॉम्प्लीमेंट मींस क्या, यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट में क्या हो जाएगा 1 और 3, तो क्या ये आंसर होगा? नहीं, आप ऐसी गलती मत कर देना, ठीक है, इसलिए कि ए और बी को केवल मिला के यू नहीं होता, यू क्या होता है आपको बताया, द सेट ऑफ पॉसिबल ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, इट्स कॉल्ड यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट में सभी वैल्यूज हैं, ठीक है, आप जो है ऐसी गलती नहीं करेंगे, इसलिए कि आप देखिए ध्यान से यूनिवर्सल सेट को भी, यहां से तो आपको 2 कॉमन मिला, ठीक है, 2 कॉमन मिला, ये तो आपका ठीक है कि 2 जो है इन दोनों का इंटरसेक्शन 2 आया, लेकिन कितने एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है ये चेक करना होगा ना, 1 भी है 3 भी है, इसके अलावा 2 के अलावा आपको चेक करना था, तो 1 भी है और 3 भी है, लेकिन आप इसमें देखोगे ध्यान से यूनिवर्सल सेट को, तो x स्क्वायर का टर्म यहाँ पे लास्ट में है, यानी x सब में से कॉमन आ जाएगा, तो x की एक 0 भी वैल्यू आएगी, 0 1 2, समझ में आया? देखो x की वैल्यू 0 भी आएगी, तो x स्क्वायर जब कॉमन लेंगे आप, ये क्या हो जाएगा, x की पावर 3 माइनस 6 x स्क्वायर एंड प्लस 11x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, समझ में आया जी सबको? तो देखो अब 1 3 इसके फैक्टर्स होंगे, मींस 1 भी इसका फैक्टर होगा, यूनिवर्सल सेट का भी फैक्टर होगा, समझ में आ रहा है सबको कि नहीं आ रहा है? तो देखो समझ में आ रहा है सबको, तो देखो ये आपका x स्क्वायर इज इक्वल टू 0 करेंगे, तो यहां से x की वैल्यू तो क्या आएगी, 0, x की वैल्यू आपकी 0 आएगी, ये क्लियर है सबको, x की वैल्यू 0 आएगी, और इसके फैक्टर्स ये हमने डिसाइड कर लिया कि इसके फैक्टर क्या होंगे, 1 भी होंगे 2 भी होंगे और 3 भी होंगे, समझ में आया? इसलिए कि क्यूबिक इक्वेशन है, और क्यूबिक इक्वेशन के कितने फैक्टर्स होते हैं, आपको इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, देयर इज नो नीड ऑफ सॉल्विंग दिस पार्ट, ये आपको सॉल्व करने के लिए दिया ही नहीं हुआ है, आपको समझना है, देखो चीजों को कहा जाता है पढ़ने से ज्यादा समझना जरूरी है, तो व्हाट इज गिवन ओवर हियर, ठीक है, तो ये देखो आप x स्क्वायर, तो आपने x स्क्वायर लिया आपने, x की दो वैल्यूज आएंगे 0 0, ये तो पक्का ही क्यूबिक इक्वेशन है, जिसमें
थ्री वैल्यूज आएंगी, और थ्री वैल्यूज सीधे को ऑलरेडी हम फाइंड आउट कर चुके हैं, इसलिए कि ये सभी जो है ए और बी दोनों यूनिवर्सल सेट के क्या है, एलिमेंट है। दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? क्लियर है ना? तो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट है, तो देखो इसमें थ्री है ना वैल्यूज, वन टू थ्री, इसका मतलब ये क्यूबिक इक्वेशन के थ्री क्या होंगे, वैल्यूज होंगे वन टू थ्री। तो अब देखो टू के अलावा क्या होगा, अब टू के अलावा लेना था तो जीरो वन और थ्री, टू के अलावा क्या हो जाएगा जीरो वन थ्री, इसलिए कि ए इंटरसेक्शन बी आपका था टू, ए और बी दोनों में कॉमन क्या था आपका टू, तो इसके अलावा क्या था जीरो भी है वन भी है और थ्री भी है, जीरो वन थ्री, सी नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ में आया कैसे करना है आपको, ये हमने बोला क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, क्लियर है? यस, चीजों को एनालाइज करना है। यस, नहीं समझ में आया क्या सर? वन और ए और बी में सर जीरो है, ए और बी में जीरो नहीं है, लेकिन आपको नहीं समझ में आया सर इसके दो रूट सेम होंगे ना, ये जो इसकी पांच डिग्री है इसके इसके दो रूट सेम सेम है, दोनों रूट जीरो और जीरो होंगे, ठीक है? x स्क्वायर इज इक्वल टू 0 करोगे ना तो x स्क्वायर जीरो ही आ गया, समझ में आ रही? हां, यहां पे देख सकते हैं, यहां जो जो नहीं समझे वो यहां पे आइए, जो नहीं समझे आपको समझ में आया कि नहीं आया, जो लोग नहीं समझे वो लोग यहाँ पे फिर से देखिए। यस, आपको है कि सर ये कैसे हुआ जीरो वन थ्री, जीरो कहाँ से आया, ठीक है? ये आपको क्या पूछा जा रहा है, ए इंटरसेक्शन बी पूछा जा रहा है, तो ए इंटरसेक्शन बी मतलब दोनों में कॉमन, दोनों में कॉमन क्या, एक्स की वैल्यू टू है, ठीक है? तो ए इंटरसेक्शन बी का डैश मीन्स क्या, अभी बताया था ना हम आपको यू एक सेट हो जाएगा, यू इज इक्वल टू समथिंग सेट, ठीक है? उसी तरह से ए इंटरसेक्शन बी आपका क्या हो जाएगा टू, मतलब यू माइनस टू, यही तो होगा, इसका डैश पूछा जा रहा है, टू का डैश मीन्स यू माइनस टू, यू मीन्स यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट में कितने एलिमेंट प्रेजेंट है आपके, जीरो है वन है टू है एज वेल एज थ्री प्रेजेंट है, इसमें माइनस करेंगे टू तो क्या हो जाएगा जीरो वन और थ्री, समझ में आया सबको? अब कहोगे कि सर टू और थ्री, वन और मतलब वन टू थ्री जो है इसी यूनिवर्सल सेट के ही होंगे, इसलिए कि यूनिवर्सल सेट में ही ए और बी एग्जिस्ट करेगा, समझ में आ रहा है? यूनिवर्सल सेट में ही बताया ना ए और बी एग्जिस्ट करेगा, तो जो भी ए और बी की वैल्यू होगी उसको यूनिवर्सल सेट में, यूनिवर्सल सेट में वो वैल्यू होगी, समझ में आया ना? ओके, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ दिस, यूनियन ऑफ टू सेट्स, यूनियन ऑफ टू सेट्स, इसको कैसे डिनोट करते हैं लोग? देखो ये आपका सिंबल होता है ए यूनियन बी, ठीक है? तो ये आपका यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, समझिए पार्ट को, यू आपका यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, इसको वेन डायग्राम से ही इसलिए समझते हैं, यू आपका क्या हो जाएगा यूनिवर्सल सेट। अब देखो इसमें ए और बी आपको दिया हुआ है, दिस इज ए एंड दिस इज बी, तो ए यूनियन पूछा जा रहा है बी, तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ए वाला पार्ट और बी वाला पार्ट, और बी वाला पार्ट और बी वाला पार्ट बीच वाला छोड़ देंगे, माइनस कर उसको एक बार, ठीक है? तो देखो ये आपका जो पार्ट होगा ना ये वाला पार्ट, ये पूरा पार्ट जो ए यूनियन बी हो जाएगा, जो एलिमेंट ए में होंगे और बी में होंगे, ये पूरा पार्ट जो है वो आपका ए यूनियन बी हो जाएगा, समझ में आया? तो ये आपका हो जाएगा ए यूनियन बी, ठीक है? अगर हम आपसे पूछे कि ए यूनियन बी डैश, If I'm asking to you A union B dash क्या हो जाएगा? तो same as क्या आप लिखेंगे? This is your U और ये आपका हो जाएगा A and this is your B। उसको छोड़ के पूरा बात, तो A और B को छोड़ के बाकी जो part होगा आपका क्या हो जाएगा? A union B dash, मतलब जो A union B में नहीं है, तो कौन सा नहीं है? ये वाला part नहीं है आपका, ठीक है जी? बाहर का एक part जो है ना, this part is not present in this। ये आपका क्या हो जाएगा? What you can say? This is A union B dash। समझ में आया कि नहीं आया सबको? क्लियर है ना? तो फाइंड आउट कर लेंगे ना, इसलिए समझना है चीजों को, ट्राई टू एनालाइज दिस पार्ट, इसलिए इसके ऊपर क्वेश्चन भी आए हुए हैं, ठीक है ना? नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस, लगता इजी है लेकिन क्वेश्चन आते हैं तो डिफिकल्ट लगने लगता है, ठीक है ना? तो कॉन्सेप्ट को आप क्लियर कीजिए। नेक्स्ट इज इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स,
इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, इसमें फॉर्मूला भी एक होता है, जैसे ए यूनियन बी आपको फाइंड आउट करना होगा, तो क्या करेंगे आप, एन ऑफ ए यूनियन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, तो आप लिखते हैं कि एन ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अभी बताते हैं इसको, ये सबको पता है। देखो ए को एक बार लेंगे ना, देखो ए को पूरा एक बार लेंगे, बी को पूरा एक बार लेंगे, तो ये पार्ट जो है ना इंटरसेक्शन होगा, दो बार रिपीट हो जाएगा, और रिपीट हो जाता है तो इसलिए एक बार हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। समझ में आया ना सबको? यस सर। ओके, नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस इज इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। तो इंटरसेक्शन को हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, इट इज डिनोटेड बाय ए इंटरसेक्शन बी, और ये आपका हो जाएगा, दिस यू कैन से दैट बाय वेन डायग्राम, दिस इज योर यूनिवर्सल सेट, दिस इज ए एंड दिस इज ए इंटरसेक्शन बी, आपका क्या हो जाएगा, दोनों का कॉमन पार्ट बीच में, ये पार्ट जो होगा वो आपका ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, दिस इज ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर है सबको जी? ए इंटरसेक्शन बी डैश अगर आपको फाइंड आउट करना हो, ए इंटरसेक्शन बी डैश, यस टेल मी अबाउट दिस, ए इंटरसेक्शन बी डैश, ए का पार्ट और बी का पार्ट, हां ये आपका ये हो जाएगा, दिस इज यू, दिस इज ए एंड दिस इज बी, इसके अलावा अलावा क्या हो जाएगा, तो ये आपका पूरा पार्ट हो जाएगा, इसके अलावा दिस पार्ट, तो ये वाला पार्ट को छोड़ के बाकी सभी पार्ट जो होंगे वो आपके हो जाएंगे ए यूनिफॉर्म इंटरसेक्शन बी डैश, इंटरसेक्शन बी डैश। समझ में आया सबको कि नहीं आया? यस सर। किसी को कोई डाउट? नो। लिख लीजिए सब लोग। अच्छा, हर एक एलिमेंट जो है अपने आप का क्या है, सबसेट होता है। समझ में आ रहा है ना? तो हर एक एलिमेंट अपने आप का सबसेट होता है, प्रॉपर सबसेट होता है क्या? नहीं। ठीक है, तो हर एक एलिमेंट आपको एक नोट में लिख लेना, एवरी एलिमेंट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, एवरी एलिमेंट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, सबसेट वाले में। क्लियर है ना सबको? डिफरेंस ऑफ difference of sets, तो sets का difference आपको find out करना है। समझिए आप, this is your U, this is your U and this is your A and this is your B, A minus B, अगर आप बोले कि दो set है आपको, एक set है आपका A और दूसरा set है B, A minus B अगर आप कर रहे हैं, if you are doing A minus B, तो what is the difference of these sets? A माइनस बी अगर आप कर रहे हैं, तो A माइनस बी में क्या हो जाएगा, कौन सा रीजन होगा, A में से आप क्या कर रहे हैं, B को माइनस माइनस कर रहे हैं, तो कौन सा पार्ट होगा, A माइनस बी, A माइनस बी जो होगा वो B वाला पार्ट जो है वो हट जाएगा और ये वाला पार्ट केवल होगा। ठीक है जी, दिस इज योर A माइनस B, ये आपका हो जाएगा A माइनस B. If you talk about B minus A, second number part is B minus A. ठीक है जी? B minus A. Try to understand here. B minus A. ये आपको हो जाएगा U. This is your universal set. This is A and this is B. अगर B minus A बोले तो कौन सा part? ये वाला part. A का part इसमें से subtract हो जाएगा. So this is your B minus A. ये आपको हो जाएगा B minus This point is clear or not? ये हो जाएगा आपका B minus A. This is known as difference of two sets. Next है disjoint sets. Disjoint set. Disjoint sets किसको बोलते हैं? Yes, tell me about disjoint sets. Disjoint.
डिसजॉइंट सेट जिसका आपस में जिसका इंटरसेक्शन क्या होता है जीरो होता है फाइव होता है ठीक है. यू कैन से दैट कि टू सेट्स आर सेट टू बी डिसजॉइंट इफ देयर इज नो एनी एलिमेंट कॉमन इन द टू सेट्स ठीक है. तो इफ देयर विल बी नो एनी एलिमेंट कॉमन इन दिस टू सेट्स तो उसमें बोलेंगे कि वो क्या हो जाएंगे उस तरह के सेट्स को बोलेंगे डिसजॉइंट सेट होंगे ठीक है. देखो यूनियन आपका हो जाएगा ए और बी डिसजॉइंट है तो ए आपका अलग होगा और बी आपका अलग होगा इन दोनों में कोई कॉमन नहीं होगा. तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट ठीक है जी. ए और बी क्या होंगे डिसजॉइंट सेट्स होंगे. इसको लिख लीजिए सब लोग. लास्ट है हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स. सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स. दो सेट्स में सिमेट्रिक डिफरेंस क्या हो जाएगा ये आप देखोगे A यूनियन बी डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा इज इक्वल टू ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी. दिस इज ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी. दिस इज नोन एज सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स. तो आप देखोगे यहाँ पे ए और बी तो ये आपका यू हो जाएगा दिस इज योर ए एंड दिस इज योर बी. क्लियर है सबको. अब यहाँ पे देखोगे ए और बी ये पार्ट हो जाएगा तो ए यूनियन बी माइनस क्या करेंगे ए इंटरसेक्शन बी. ए यूनियन बी में इंटरसेक्शन बी माइनस करेंगे कितना बचेगा कौन सा पार्ट बचेगा ए यूनियन बी में ये माइनस करेंगे ये वाला पार्ट बचेगा आपका. देखो और ये सिमेट्रिक है ये वाला पार्ट जो है वो बचेगा आपका ठीक है ना. इसको बोलते हैं सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन. समझ में आया कि ये आपका पार्ट हो जाएगा ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी. इसको थोड़ा सा इसमें जो है ना थिंक अबाउट दिस गो दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट. दिस इज नोन एज सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स. समझ में आ रहा है ना आपको पूरा कोई डाउट इसमें इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना अभी तक. यस जी समझ में आ रहा है सबको. ओके देखो ए यूनियन बी अगर ऐसे लिखा जाए ए यूनियन बी डैश ये क्या हो जाएगा ए यूनियन बी डैश. तो क्या करेंगे आप इसको देखो ए यूनियन बी डैश तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं यू माइनस ए यूनियन बी माइनस
लेकिन अलग अलग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ए डैश ऐसे लिख सकते हैं ना। Similarly, you can say that yeah, this is your first number part from the model's number. Second number part is A intersection B dash. A intersection B dash, what you can write down? A intersection A dash, B dash union. A dash union B dash. B dash. सबको समझना ये part है, समझ में आ रहा है सबको? Yes sir. कोई doubt इसमें? Venn diagram से समझना इसको? ये समझ में आ रहा है देखो वेन डायग्राम से अगर आप समझेंगे तो ये आपका हो जाएगा U, ये हो जाएगा आपका A एंड दिस इज योर B। क्या पूछा जा रहा है इसमें? A यूनियन B डैश, तो A यूनियन B डैश मींस यूनियन जो होगा उसके अलावा ये आपका हो जाएगा दिस इज योर A यूनियन B डैश। दिस यू कैन से दिस इज योर A यूनियन B डैश। इसको और क्या लिख सकते हैं? A डैश इंटरसेक्शन B डैश। A dash intersection B dash. A dash means A के अलावा ये पूरा, ठीक है? और B dash B के अलावा ये पूरा, इसका intersection. Intersection ये तो होगा common. समझ में आया? Similarly you can say. इसको भी बना सकते हैं। Next part of this is second number is. अगर ऐसे लिखा हो आपका A minus B intersection C. Three आपके sets हैं. A minus B intersection C. जिसका इसकी value किसके equal हो जाएगी? देखो इसमें थ्री सेट्स आपके आ जाएंगे, ये हो जाएगा ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, और ये आपका हो जाएगा यू, मतलब यूनिवर्सल सेट यू। तब देखो ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, इसको हम लोग लिखेंगे ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी। समझ में आया कि नहीं आया सबको? क्लियर है ना? नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस इज, ये फर्स्ट नंबर पार्ट है इसका एंड इसका सेकंड नंबर पार्ट हो जाएगा दिस यू कैन से ए माइनस, ये आपका हो जाएगा ए माइनस बी यूनियन सी। सिमिलरली यू कैन राइट डाउन ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस क्रेडिट मॉगल्स लॉ को। समझ में आया कि नहीं आया सर? समझ में आ रहा है? नहीं पार्ट्स काफी इजी है। यस आई थिंक। नेक्स्ट इसके जो लॉज हैं वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो पहला लॉ आपका है कॉम्यूटेटिव, तो कॉम्यूटेटिव लॉ लॉ भी देखेंगे हम लोग वन बाय वन। तो कॉम्यूटेटिव लॉ में क्या होगा? अगर ए यूनियन बी लिखा हुआ है तो आप क्या लिख सकते हैं इसको? बी यूनियन ए लिख सकते हैं। A union B लिखिए या B union A लिखिए, दोनों बात क्या है? सेम है, ठीक है जी। सेकेंड नंबर पार्ट ऑफ दिस इज कि B A intersection B लिखिए आप। A intersection B you can write down is equal to B intersection of A. This you can write down, I think. समझ में आया ना? Next part of this is associative. Associative में क्या होगा? कॉम्यूटेटिव एसोसिएटिव, एसोसिएटिव में क्या होगा जी? ए यूनियन बी प्लस, या ऐसे लिख लीजिए। समझ में आ रहा है ना सबको? ए यूनियन बी यूनियन सी, अगर ऐसे लिखा गया तो क्या इसका लिखेंगे आप? ए इंटरसेक्शन, या ऐसे लिख दो आप A plus B union C. A union B plus A union C. So what you can say? A plus B union A plus C. ऐसे भी लिख सकते हैं, या ऐसे इसको लिखा गया हो A intersection B union C. इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? A intersection B union union A intersection C. क्लियर है सबको? इस तरह से आप लिख सकते हो, और भी आप लिख सकते हो कि A union B intersection C. इसको क्या लिख सकते हैं आप? A union B intersection A union C. लास्ट डिस्ट्रीब्यूटिव आप कर लेना इसके बाद।
ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इसके ऊपर, क्वेश्चंस करेंगे, ये फिनिश हो गया है, ठीक है ना, ये फिनिश हो गया आपका सेट्स। अब इसमें कुछ बचा नहीं है, कुछ जो है एक दो फॉर्मूलेस हैं वो हम लोग क्वेश्चंस में ही कर लेंगे, ठीक है ना, इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट है, बाकी आप वेन डायग्राम बना के भी कर सकते हो, क्लियर है। तो सेट्स फिनिश हो गया आपका, कल क्वेश्चंस करेंगे जो अच्छे क्वेश्चंस हैं, 4-5 क्वेश्चंस से रिलेटेड हैं अच्छे क्वेश्चंस, वो करेंगे, उसके बाद हम लोग रिलेशंस स्टार्ट करेंगे, ठीक है, रिलेशंस स्टार्ट करेंगे।